अपना सहु को ना गिरा दीजिए, ठीक है। सीता परी आचमन मंत्र के साथ, जल प्रोक्षण मंत्र के साथ जल का सिंचन करते हैं हम लोग। ओम अदिते अनुमन्यश्वः। ओम अनुमते अनुमन्यस्वः। आप लोग उसको ना सुख बना तक ले। ओम सरस्वते अनुमन्यस्वः। अगले मंत्र से उधर से लीजिएगा, ठीक है। आप इतना हाथ लगा दीजिएगा, हाथ बंद लगा दीजिएगा मंत्र बोलने तक। ओम देव सवित प्रसुवैजम प्रसुवैज पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतमन पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। उधर से, उधर से आएगा। हाँ लोटा को इधर दीजिए। फिर आप वहाँ से मेरे घर को लोटा रख दीजिए। जल प्रोक्षण इसलिए करते हैं कि अग्नि देव जब को जलाते हैं तो उसमें बहुत ताकत है, अपरिमित ताकत है, तो ये कभी किसी को जलाए ना, किसी को भस्म ना करे, हानि ना करे। इसलिए पहले माँ बहन को बीच में डाले, तो पहले चूल्हा जलता था तो एक लोटा जल रखा जाता था कि ताकि किसी को साड़ी वगैरह ना जला दे, जैसे आग निकले तो हम लोग थोड़ा मार के उसको शांत कर देते। इसलिए अग्नि देव को जब भी जलाएं तो वहाँ पानी रखा करें, जल प्रोक्षण करें। ओम।